के भाई होंगे दो अजूबे, क्या खजाने में नहीं मिलेगा खजाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, हेरा फेरी की कहानी में अभी तक मैंने आपको बताया था कि कैसे बनवारी सेठ राजू श्याम और बाबू भैया को अपने खजाने के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो एक सरकारी जमीन पे है, जिसके लिए राजू ये डिसाइड करता है कि वो बनवारी सेठ के दोनों भाइयों की मदद लेगा। राजू जब सेठ जी के पहले भाई के पास जाता है तो वहाँ उसे एक बहुत ही शांत आदमी दिखाई देता है, जिसे खजाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि ये ज़मीन अब सरकार की है, इसलिए खजाने पर भी हक सरकार का ही होगा। लेकिन फिर भी राजू उनके भाई की मदद का कहकर उन्हें मना लेता है और खजाना निकलवाने के लिए राजी कर लेता है। जब राजू सेठ के दूसरे भाई के पास जाता है तो वहाँ उसे एक डॉन दिखाई देता है, जो खजाने की बात सुनते ही खुदाई करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन क्योंकि सरकार अगले ही दिन उस ज़मीन पर खुदाई करवाने वाली है, इसलिए इन लोगों के पास लोग भी कम हैं और वक्त भी कम है। तो तब तक ही राजू को छोटा डॉन उस मोहल्ले का दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, बाबू भैया ने तुम्हारी किस्मत देखी है, तुम बहुत ही जल्दी रातों रात अमीर होने वाले हो। और फिर वो उसे खजाने के बारे में बताता है, जिसको सुनकर छोटा डॉन रेडी हो जाता है उस ज़मीन पर खुदाई करने के लिए। कुछ देर बाद राजू श्याम बाबू भैया और बनवारी सेठ उस ज़मीन पर छतरी लेकर धूप में खड़े होते हैं। तभी बड़ा डॉन वहाँ से दो गाड़ियाँ भरकर लोगों को लेकर आता है और वो छोटा डॉन भी कुछ लोगों को लेकर आता है। अब इतने सारे लोग हो गए हैं, इसको देखकर जब खुदाई चालू होती है तो उसी बीच श्याम राजू से कहता है कि इतने सारे लोग हैं, अगर खजाना इन सब में बटा तो हमें क्या मिलेगा। ये सुनकर राजू हंसने लगता है और कहता है, तुम वेट करो, आगे आगे देखते जाओ, अभी हमारे बाबू भैया जिंदाबाद हैं। फिर जैसे ही खुदाई पूरी होने को आती है, तब बाबू भैया अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हैं। वो उनसे कहते हैं, अरे सुनो सुनो, सब पीछे हट जाओ, कहीं इस खजाने के डब्बे में बॉम्ब ना हो। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, क्या बाबू भैया, आप भी कभी भी कुछ भी मजाक करते हो। लेकिन जब राजू श्याम और बाबू भैया नहीं हंसते हैं, तब सब लोगों को डर लगता है और धीरे धीरे करके सब लोग पीछे होना शुरू कर देते हैं। फिर राजू अपना दांव दिखाता है, वो कहता है कि मैंने सेठ जी को प्रॉमिस किया है उनका खजाना दिलाने का, इसीलिए अब कुछ भी हो जाए मैं इस बॉम्ब यानी कि बॉक्स को जरूर खोलूंगा। धीरे धीरे सारे लोग पीछे हटने लगते हैं। जैसे ही लोग पीछे हटते हैं, राजू आराम से जाकर वहां पे धीरे से बॉक्स को खोलता है और फट से बंद कर देता है और सबसे कहता है, इसके अंदर तो चिल्लर है। फिर सब लोग उसे देखने के लिए पास में आ जाते हैं और फिर राजू फिर से उस बॉक्स को खोलता है और बंद करता है और कहता है, इसमें तो चिल्लर है। वो चिल्लर देखने बहुत सारे लोग आ जाते हैं और इसी बात पर छोटा डॉन और बड़ा डॉन झगड़ा करने लगते हैं और राजू श्याम और बाबू भैया धीरे से उस जगह से निकल आते हैं। इसी बीच सेठ का बड़ा भाई पुलिस को भी वहां बुला लेता है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पे उसके हिसाब से खुदाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो सही रास्ता अपनाता है। अब जब ये तीनों साइड में आ चुके हैं, राजू श्याम और बाबू भैया, तब राजू अपने पॉकेट से एक हीरो का हार निकालता है और उन दोनों को दिखाता है, जो कि उसने उस बॉक्स से चुरा लिया था। जी हाँ दोस्तों, तो अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए आगे क्या होती है हेरा फेरी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है तनु चौहान ने।